हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आज की एनर्जी लेकर। सो आप दोनों की एनर्जी चेक होगी यहाँ पर। देखते हैं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे, और आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जी है आज के दिन में। सो फर्स्ट मैसेज है मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज आया, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मिक्स्ड एनर्जी है। देखिए, आप में से कई सारे लोगों के लिए आज का दिन बड़ा खूबसूरत हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, आप स्ट्रेटजी बना रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि आपको आज मैसेज आएगा। और पॉसिबल है कि आप में से आज बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव भी हों, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। या इवन आप उनको मैसेज कर सकते हो या वो आपको मैसेज कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कॉल आ सकती है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉल मैसेज नहीं आया है, या वो बहुत निराश हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में, वो चाह के भी अपने पार्टनर से मिल नहीं सकते, या उनके पार्टनर उनकी तरफ नहीं आ सकते, या वो इनको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या आप इनको कमिटमेंट नहीं दे सकते। कुछ नेगेटिव थॉट्स आज के दिन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी है। कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं रह गया, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं। तो ये एक इल्यूजन है, पेशेंस रखिए। ये आज की एनर्जी है। बाकी अपने काम धाम पे आप ध्यान देंगे, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो अपना जो भी काम है वो आप अपना कंप्लीट करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, सेकंड कार्ड है द हेरोफेंट, थर्ड कार्ड है द फूल, फोर्थ कार्ड है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। बड़े स्मार्ट हैं प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, मेरे तो फेवरेट हैं, बड़े स्मार्ट है ना। देखो, इनके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है। ये कार्ड जब से आया है ना, क्योंकि यहाँ देखिए लॉयन बैठा है। लॉयन क्या है? सन, लियो, सन की एनर्जी है इस कार्ड में। और ये कार्ड जब से आया है ना, मेरी नज़र ही नहीं हटती इस कार्ड से। बड़े स्मार्ट हैं प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर देखिए क्लियरली नज़र आ रहा है द फूल। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी में है, केयर फ्री हैं आज के दिन में। द वर्ल्ड, कर्मा साइकिल को लेकर किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, या इनके लाइफ में ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन ट्रैवल करें, या इनके लाइफ में अगर कोई कार्मिक है तो उससे इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे इनके पेरेंट्स हों। अगर कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, तो ये केयर फ्री होकर कुछ एक्शन ले सकते हैं। करियर में लॉसेस दिख रहे हैं। अगर करियर फील्ड की बात करें तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं हैं आज के दिन में। किसी तरह का लॉस, किसी तरह का गुस्सा करियर में, ऑफिस में इनका मन नहीं लगेगा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली उनके लिए रिश्ते देख रही है, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्शन में हैं, और ये केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन ये लेना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, क्यों आए हैं प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट, मैंने कहा ना, डिसीजन लेना चाह रहे हैं ये, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन जो भी हो। सो, ये आज की एनर्जी में निकल कर आया है। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1, ठीक है। सो विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर, विद इन 1 वीक, आप में से बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं, ये आपको लेकर एक प्रॉपर जजमेंट ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, एस ऑफ कप्स। सो ये आज की एनर्जी है। होप आप सभी से रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।